जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। आज की क्लास हम लोगों की तीसरी क्लास है, इससे पहले हम लोगों ने दो क्लास कर रखा है। एक क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, तो अब तक हम लोगों ने 40 प्रश्नों को कर रखा है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 41 से प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, मतलब आज की क्लास का पहला प्रश्न, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है। देखिए मतलब एक स्टूडेंट है, अगर उसे पास होना है तो कम से कम तो 45 अंक उसे चाहिए चाहिए। अब क्या होता है ना कि उसे 50 नंबर मिलता है और वो 4 नंबर से फेल हो जाता है। अब एक चीज समझिएगा, अब जो 50 नंबर मिले अगर इसमें 4 नंबर और मिल जाता है ना तो पास हो जाता। वो पास होने का मतलब है कि उसके पास 45% अंक बन जाते। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो जो 45% है, 45% का मान कितना दिख रहा है आपको, 54 दिख रहा है। तो यहां से आपको निकालना है अधिकतम अंक क्या है, मतलब 100% का मान निकालना है, तो आप आराम से इसको सेट कर लेंगे। देखिए 1% अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 54/45, ये 1% का मान हो जाएगा। और 100% करने के लिए यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 120 मिलेगा, इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। अब इस प्रश्न में आपको इतना पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसे सोच सकते थे कि उसको 50 अंक मिलता है और 4 से फेल हो जाते हैं, मतलब अगर 54 मिलता तो पास हो जाता, 54 नंबर मिलता तो पास हो जाता, मतलब उसे 45% मान मिल जाता और निकालने 100%। तो यहां से आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते थे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 120 मिलेगा। देखिए इसको 5 से काटेंगे तो 20, यहां पर मिल जाएगा 9 और 9×6=54, 20×6=120, इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 विकल्प बी। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा करती हैं और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, तो इस कार्य को 5 औरतें और 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए कार्य समान है, मतलब वही कार्य, तो यहां पे समझिएगा जो कार्य है ना, यहां पे अगर विमेंस की बात करेंगे 10 औरत 7 दिन ले रही है, मतलब विमेंस का कार्य देखेंगे तो आपको मिलेगा 70W, मतलब यहां पे W मैंने लिखा है W फॉर विमेन, है ना, 10×70। अब बच्चों की बात करेंगे 10×6=40, 140 चाइल्ड। अब यहां से अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपको पता चलेगा एक विमन एक दिन में 2 काम करती है और एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे 1 रखेंगे तो भी आपको टोटल काम 140 मिलेगा, यहां पर 2 रखेंगे तो भी टोटल काम 140 मिलेगा, कुल काम है 140। अब कितने लोगों से करवाना है, आपको करवाना है 5 औरतों से, 5 औरत मतलब 5×2=10 और साथ में कितने बच्चों से, 10 बच्चों से, 10×1=10। तो इसको जब हल करेंगे तो 140 काम है, एक दिन में 20 काम हो रहे हैं तो ये काम खत्म हो जाएगा 7 दिन में, विकल्प डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, शादी के समय एक औरत उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा है और पूरे परिवार की औसत यहाँ पे आयु होगा, आय नहीं होगा, आयु कितनी है। देखिए शादी के समय क्या होता है कि औरत और पति की औसत आयु 23 वर्ष है, दो लोगों का औसत है 23, तो उनका योग हो जाएगा 46। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 46, ये शादी के समय की बात है। अब क्या हो रहा है, 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष जब बीतेगा तो 5 साल उम्र बढ़ेगी पति की और 5 साल बढ़ेगी पत्नी की, मतलब यहाँ पे 5 नहीं, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो गया, है ना, उनके पास 1 वर्ष का एक बच्चा भी है, तो यहाँ पे 1 बच्चा भी हो गया, पहले 2 लोग थे अब कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, तो यहाँ पे औसत निकालने के लिए आप 3 से भाग देंगे, 46×10=56 और 1×57, पूरे परिवार की जो औसत आयु होगी 57/3 मतलब 19 वर्ष होगा, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलेगा, चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप इसको कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 44, मतलब आज की क्लास का चौथा प्रश्न, यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x²-y²=13, तो x²+y² का संभव मान क्या होगा। देखिए क्या करना है, यहां पे आपको दिए x²-y² = 13, ठीक,
अब इसको हम ओपन करते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक कोष्ठक में और एक्स प्लस वाई दूसरे कोष्ठक में। और देखिए 13 को अगर आप प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये ऑलरेडी प्राइम है, तो आप इसको लिखेंगे एक गुणे 13। यहां पे देखिएगा ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन है, मतलब एक्स माइनस वाई का मान है एक और एक्स प्लस वाई का मान है 13। तो यहां पर इस साइड हम हल करते हैं इसको, एक्स माइनस वाई बराबर एक और x प्लस वाई बराबर 13। यहां पर अगर आप इसमें किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान मिलेगा 7 और y का मान मिलेगा 6। ये आपको मिल गया। आपसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान, तो एक्स स्क्वायर मतलब 7 × 49 और वाई स्क्वायर मतलब 6 × 36, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 85, मतलब 85 सही उत्तर हो जाएगा विकल्प वी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई दी है 24 और 32, तो समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। देखिए जब कभी भी समचतुर्भुज मतलब हम रोम्बस की बात करेंगे तो रोम्बस क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। देखिए यहां पर रुकेगा एक मिनट, ये तो स्क्वायर बन गया है ना, सभी भुजाएं समान होती है ना, और इनका जो डायगनल होता है ये क्या होता है, इनका जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये होता है आपका रोम्बस। ठीक इस तरीके से देखिए ये भुजा और ये भुजा सब समान होंगे। अब यहां पे भुजा की देखिए जो विकर्ण की लंबाई है 24 और 32 है, देखिए एक विकर्ण को 24 मान लीजिएगा और दूसरे को 32 मान लीजिएगा, तो 24 का आधा ये 12 हो जाएगा और 32 का आधा ये 16 हो जाएगा। देखिए यहां पे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 144 और 16 का स्क्वायर होता है 256, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 400। 400 को अगर करड़ी में लेके जाएंगे इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 20, मतलब ये जो भुजा है कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। ठीक चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, एक अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर है एंड एक शंकु मतलब एक कोन है ना, कि आधार समान है यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है, मतलब इसमें देखिए बेस भी सेम है और साथ ही साथ उनकी हाइट्स भी सेम है, तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसके बारे में आपको बताना है, उनका रेशियो क्या होगा। तो देखिए जो अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर होता है ये इस प्रकार से बना होता है और कोन इस प्रकार से बना होता है। अब देखिए यहां पर अगर इसके कर्व्ड सर्फेस एरिया मतलब CSA की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है 2πr² और इसका जो कर्व्ड सर्फेस एरिया होता है ये होता है पाई आर एल, और एल की जो वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो यहां पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए पाई से पाई को यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, आपको मिलेगा 2। देखिए एक आर से आर को भी कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि आर समान है। देखिए यहां पे आपको मिल गया कितना, देखिए 2r, और इसका रेशियो बनाने किसके साथ, एल के साथ, एल का मतलब रूट एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। देखिए एच और आर भी तो आपस में समान है, जब समान है तो यहां पे 2r स्क्वायर मिल जाएगा, 2r स्क्वायर। अब जब 2r स्क्वायर करेंगे तो रूट में होगा, रूट में होगा तो r वहां से बाहर निकलेगा, तो आपको मिलेगा 2r रेशियो यहां पे r रूट 2, r से r कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 से काटेंगे तो यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा रूट 2 रेशियो 1। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिर्फ फार्मूला और कुछ नहीं। एक बार फिर से इसको समझाते हैं, देखिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर मतलब यहां पे अर्धगोले का, ये होता है 2πr², ये अर्धगोले का होता है, शंकु का होता है पाई आर एल, और जो एल है एल की वैल्यू मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, ये होता है पाई देखो सॉरी एल एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। H और R इसमें क्या है, समान है, तो यहाँ पे इन दोनों को सेम मानेंगे तो आप लिखेंगे L इज इक्वल टू अंडर रूट 2r² R यहाँ पे स्क्वायर इसका जोड़ा बन रहा है बाहर आ जाएगा, तो L इज इक्वल टू R रूट 2 ये लिखा जाएगा L का मान, तो L का मान यहाँ पे प्लेस कर देते, देखिए 2πr² और यहाँ पे पाई R L का मान हो जाएगा R रूट 2। अब जो जो कट रहा है उसको काटते, देखिए पाई आर स्क्वायर यहां भी पाई आर स्क्वायर यहां भी कट गया, यहां पर 2 और यहां पर रूट 2, इसको काटेंगे तो रूट 2 रेशियो 1, इसका सही उत्तर विकल्प सी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न यहां पर दिया है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर 12 मीटर 13 मीटर और 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है, इस कमरे में वो अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि कमरे में अधिकतम कितनी छड़ रखी जाएगी। देखिए जो कमरा होता है, कमरा क्या होता है, ये 3D होगा, 3D का मतलब ऐसे एक घन के शेप में रहेगा। मान के चलिए आपके पास एक ही रूम है, ठीक। अब इस रूम में देखिए जब आप चीजों को रखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि जो
इस नीचे वाला कॉर्नर, आप अपने घर में जिस रूम में बैठे हैं, जहां पर बैठे हैं, उसको देख के इमेजिन करिए कि आप इस नीचे वाले कॉर्नर को ऐसे उठा के लेकर जाइएगा एकदम ऐसे ऊपर वाले कॉर्नर पे, मतलब यहाँ पे यहां से आपको मिला है। देखिए ये आपका एक वर्ग होता है, ये एक दीवार हो गया, मतलब कमरे का एक दीवार हो गया, तो यहाँ पे ये 2D हो गया। आपको क्या करना है, जैसे देखिए एक दीवार ये है, दूसरी दीवार ये है, यहाँ के नीचे से चलना है और यहाँ के ऊपर तक आना है, ये चीज आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये घन हो जाएगा और घन का या फिर घनाभ हो जाएगा, इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, मतलब घनाभ, घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। तो जो घनाभ का विकर्ण होता है, ये होता है अंडर रूट, देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे तीनों को मतलब जोड़ेंगे। देखिए एल का मान है 12, 12 बार हमें 144, प्लस एच का मान है 4 चौका 16, प्लस यहाँ पे 3 तिरिका 9, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा √169। √169 का मतलब है 13, मतलब कमरे में अधिकतम 13 मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो 12 को रख देगा, 13 को रख देगा, लेकिन 14 15 को नहीं रख पाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मतलब 2। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपको दिया है, यदि x1 और x2 का माध्य 7.5 है ना, देखिए तो यहाँ पे सीधी सी बात है, x1 प्लस x2 अगर आप इसको निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 15। इसके बाद क्या दिया, x1 प्लस x2 और प्लस x3, इसका माध्य 8, तो हो जाएगा 24। आपसे पूछा जा रहा है कि x3 का मान बताइए, 15 में से 24 में से 15 को घटा देंगे, आपको 9 मिल जाएगा, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, इसमें दे रखा है यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य क्रमशः कैपिटल एम और स्मॉल एम है तो इसका रिलेशन बताना। देखिए माध्यिका और माध्य की बात किया जा रहा है, तो अगर आपको माध्यिका निकालना है तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 10 पद है, 10 और 1, यहाँ पे देखिए एक सम पद है, सम पद रुके पहले इसको लिख लेते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए 10 प्राइम नंबर अगर हम लोग लेके, तो 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, 17, 19, 23 और 29, के 10 प्राइम नंबर हो गए। ठीक, अब इसमें देखिए टोटल 10 पद हैं। अब 10 पद होने का मतलब क्या है कि जब कभी भी सम पद होते हैं तो यहां पे इसका आधा और उससे एक आगे का, देखिए 10 पद है ना, तो ऐसे समझिएगा पांचवा और प्लस छठा, ये पद लेंगे और इसमें भाग करेंगे किससे, यहां पे करेंगे भाग 2 से। देखिए पांचवा और छठा अगर पद उठाया जाएगा तो 2, 3, 5, ये 11 और छठा पद है 13, 24, 24 का आधा हो जाएगा 12, 12 इसका आएगा क्या चीज, इसकी माध्यिका। तो कैपिटल एम की वैल्यू हो गई 12, अब स्मॉल एम, मतलब इन सबको जोड़ करके 10 से भाग देना है, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 और 13, 30 और 11, 41, 41 में 17 जोड़ेंगे तो 58, 58 में 29, 19 जोड़ेंगे 77, 100, 129 आ जाएगा, 129/10 मतलब स्मॉल एम हो जाएगा 12.9। तो कौन बड़ा है, स्मॉल एम बड़ा है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दिया है, प्रेक्षण यहाँ पे एक डेटा दिया है का बहुलक बताना। तो देखो बहुलक बहुत ही आसान होता है, जो मैक्सिमम टाइम जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही बहुलक बन जाएगा। तो देख लीजिए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आपको ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है कि 7 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम दिख रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नेक्स्ट, एक पाई चित्र में विभिन्न मदों का अनुपात किसके समानुपाती होता है। तो देखिए जब कभी भी पाई यहाँ पर बनाया जाता है, मतलब एक सर्कल बनाया जाता है, पाई चार्ट दिया रहता है, तो इसमें अंश दिया रहता है हमेशा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंश के मतलब कोणों के बारे में, तो यहाँ पे अंशों का क्षेत्रफल नहीं होगा, अंशों के कोणों के बारे में, इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया निम्नलिखित आंकड़ों का, यहाँ पे आंकड़ा दिया माध्यिका और बहुलक, इसका अंतर बताना। देखिए माध्यिका और बहुलक क्या करना है, सबसे पहले देखिए बहुलक की बात करते हैं, बहुलक मतलब यहाँ पे मोड की बात करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वही बहुलक बनेगा। देखिए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सभी डेटा को देखा जाए तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 42 इसका मतलब बहुलक बनेगा। देख लेते हैं 42 है ना, 1 बार 2 बार 3 बार है ना, 42 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, और कोई डेटा नंबर नहीं दिख रहा है ना, 42 इसका मोड हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना है मीडियन, तो देखिए मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, पहले टर्म को काउंट करते हैं कितने टर्म है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 टर्म, 20 टर्म का मतलब पता है क्या, 10वां और 11वां, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर इनका आधा कर देंगे। तो 10वें पद की ओर आते, देखिए सबसे छोटा पद यहाँ पर 25 दिख रहा है, ये पहला हो गया है ना, 25 के बाद देखिए और इसके बाद 25 के बाद जो छोटा टर्म है 26, 27, 28, 29, देखिए ये दूसरा हो गया है ना, 29 के बाद 30, ये तीसरा हो गया है ना, 31 नहीं ये 32, ये चौथा पद हो गया, इसके बाद 32 के बाद पांचवा छठा, ये 33 हो गया, इसके बाद 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये सब नहीं दिख रहा, 41 भी नहीं दिख रहा, 42, देखिए 1, 2,
तीन, है ना, कितने पद हो गए, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, एक नौ। अब यहां तक हो गया, इसके बाद जो आएगा उसे सेलेक्ट करना है। 42 के बाद 43 दिख रहे नहीं दिख रहे, है ना, 44 नहीं दिख रहे, 45 और 46। तो 45 और 46 को आप देखेंगे तो यहाँ पे 91 अपॉन 2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 45.5, है ना, 45.5, है ना, 45.5 यहाँ पर इसका क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा माध्य। दोनों का डिफरेंस है 3.5, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नेक्स्ट दिया है, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जो 10 कमीजों का कॉस्ट प्राइस है ये इक्वल है कितने, 8 कमीजों के सेलिंग प्राइस के बारे में। जो कॉस्ट प्राइस है आपको यहां से मिल जाएगा 4 और जो सेलिंग प्राइस है मिल जाएगा 5। देखिए 1 रुपए की प्रॉफिट हो रही है 4 रुपए के बेस पर, तो 1/4 मतलब 25% का लाभ होगा, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नेक्स्ट देखिए, यहां पर दिया है एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। गजब का क्वेश्चन, एकदम दिमाग घुमा देगा। देखिए क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है ना, जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन बात को कहने का तरीका देखिए क्या गजब तरीके से बोला है, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा वो अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर आप इस भुजा को देखेंगे ना, इन दोनों से 4 कम होगा, इसको देखेंगे ना, इन दोनों से 4 कम होगा, इसको देखेंगे, इन दोनों से 4 कम होगा। तो यहां पे सीधी सी बात है, हर भुजा कितना होगा, 4 होगा, 4 हो गया, है ना, समबाहु त्रिभुज है, भुजा है 4, क्षेत्रफल निकालना है, करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है सबको पता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 3/4 × 16, इसको जब हल करेंगे तो 4 करड़ी में 3 इसका सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग अंतर और गुणनफल का अनुपात, देखिए योग मतलब यहां पे ऐसे समझिएगा, एक्स प्लस वाई इसका जो रेशियो है आपका दिया है 5, ठीक है, जो अंतर है एक्स माइनस वाई इसका जो रेशियो ये दे रहा है 1, और जो एक्स इंटू वाई है ये दे रहा है कितना, 18। देखिए रेशियो दिया है, रेशियो मतलब इसका एक मल्टीप्लायर भी होगा, तो यहां पर मान लेते मल्टीप्लायर के है, ठीक, सबका के है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे यहां पर इन दोनों से, तो आपको एक्स का मान मिल जाएगा 3 के, और वाई का मान अगर निकालेंगे तो वाई का मान मिल जाएगा 2 के, ठीक। अब यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 6k² = 18k, है ना, 1k से 1k कट जाएगा, 6k = 18 मतलब k की वैल्यू आ जाएगी 3, जो इसका मल्टीप्लायर है 3, मल्टीप्लायर 3 मतलब देखिए x की वैल्यू होगी 9 और y की वैल्यू होगी 6, इनके वर्गों का अंतर पूछा है, 9 × 9 = 81, 6 × 6 = 36, इसका डिफरेंस आपको मिलेगा 45, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहां पर दिया है, यदि बहुपद, ये बहुपद दिया है, इनका एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो अन्य गुणनखंड क्या होंगे आपको बताना। देखिए ऐसे प्रश्न को करने का तरीका क्या है, ऐसे प्रश्न को करने का बेसिक तरीका ये है ना कि आप क्या कीजिएगा, इसमें आपको ये देखना है कि किस टर्म का मान रखने पर ये जीरो हो जाएगा, जिसकी वैल्यू रखने पर जीरो होगी वही आपका फाइनल आंसर बनेगा। देखिए आप चाहे तो भाग दे के कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप भाग दे करके इसको चेक कर लीजिएगा, बन जाएगा बात, लेकिन वहां पे काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। देखिए एक्स की वैल्यू आप 2 रख के चेक करिए, जैसे एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 + 8 − 3 × 6 + 18 − 18, देखिए यहाँ पे 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब x का मान 2 नहीं हो सकता, जब 2 नहीं हो सकता तो ये विकल्प भी कैंसिल हो गया, ये विकल्प भी कैंसिल हो गया। अब या तो −3 या तो +3, किसी एक को रखिए आंसर आ जाएगा, है ना, तो हम −3 रख के चेक कर लेते। देखिए −3 रखेंगे तो −27 और −+, है ना, 3 × 3 = 9 × 4 = 36 और −, यहाँ पे 9 हो जाएगा +9 और −18। देखिए यहाँ पे ये दोनों मिलकर 45 हो जाएंगे और ये दोनों मिलकर 45 हो जाएगा, आंसर 0 बनेगा, मतलब विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया, गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं, यदि दत्त को एक पाई चार्ट में निरूपित किया जाए तो प्रथम श्रेणी का जो केंद्रीय कोण है ये क्या होगा, आराम से निकाल लेंगे। देखिये यहाँ पे जो 20% है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रथम श्रेणी, बटे टोटल देखेंगे तो 100% हो जाएगा, और एंगल बनाना है तो 360 डिग्री का, है ना, कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे 5 आएगा और इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 × 72, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, एक बिकर्ण का नाप 26 सेंटीमीटर है, दूसरे बिकर्ण की लंबाई बताइए। देखिए समांतर श्रेणी के समांतर चतुर्भुज का प्रश्न बनाने के लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला क्या है, d1² मतलब डायगनल 1 पहले डायगनल का स्क्वायर प्लस डायगनल 2 मतलब बिकर्ण दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l² + b². ये फार्मूला बहुत ही काम का है, लगभग जितने भी समांतर श्रेणी के समांतर चतुर्भुज होंगे बार बार श्रेणी दिमाग से निकल रहा है ना, ये आराम से आप इसको हल कर लेंगे। देखिए एक यहां पे देखिए एक बिकर्ण है 26, तो 26 लिख लीजिएगा, 26 का स्क्वायर मतलब 676
प्लस डी टू स्क्वायर, मतलब दूसरे के स्क्वायर की बात की जा रही है ना, बराबर टू एल स्क्वायर। एल मतलब लंबाई, लंबाई है 17 में 289 और प्लस 11 में 121। कैलकुलेशन है देखिए, यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा 410, 410 के बाद 820, 820 इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 820 और माइनस 676। जब इसको घटाएंगे तो 144 मिलेगा। डी टू स्क्वायर की वैल्यू 144 है तो डी टू का मान हो जाएगा 12, ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ है एलसीएम है, एक संख्या 36 है दूसरी संख्या, इससे आसान प्रश्न तो आपको मिलेगा ही नहीं है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और इनटू में एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। देखिए पहली संख्या आपको एक संख्या 36 दिया, 36 मान लेते हैं, दूसरी संख्या नहीं पता है ना, बराबर 12 गुणे 144, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा और 3 से इसको काटेंगे 48 मिलेगा, तो दूसरी संख्या 48 विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोगों ने 20 प्रश्न को डिस्कस किया कि सी सेट के पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं, इनका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। अभी ये मैथ्स की सीरीज चल रही है, मैथ्स के साथ रीजनिंग भी चल रहा है, हिंदी इंग्लिश सब आपको मिलेगा है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, तो आप यहाँ पे कुछ नंबर्स देंगे, आप यहाँ पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप से आप व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।